Okay, good morning class 5th students. Subject English grammar. This is lecture number 62 and today is August 27th, 2021. Okay, continuing with lesson number 8. Today we are going to do exercise Q, R, S and T part. So students, turn to page number 61 and follow this video carefully. And to mention that since we have not yet started our U3 syllabus of English, इसलिए मैं बिना explain किए ये exercise थोड़ा जल्दी complete करने की कोशिश करूँगा ताकि English के lesson 1 or 2 semester book 2 को हम U3 exam से पहले complete कर सकें. ठीक है. सो मैं सिर्फ एक्सरसाइजेस का आंसर ही आपको डिक्टेट करने जा रहा हूँ. सो नाउ लुक एट योर बुक्स. एक्सरसाइज क्यू पार्ट. अंडरलाइन द करेक्ट आईएनजी वर्ड. नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको सही आईएनजी वर्ड को अंडरलाइन करने हैं. जैसे कि पहले वाला है बीना इज प्लेइंग एट द स्टेडियम. यहाँ पर आएगा आपको प्लेइंग वर्ड को अंडरलाइन करना है. ठीक है. नंबर 2 आई इंजॉइंग वीडिंग द फ्लावर बेड्स. यहाँ पर आपको वीडिंग को अंडरलाइन करनी है. नंबर 3 वी आर रीडिंग अ स्टोरी. ठीक है, रीडिंग. नंबर 4 जेन इज शाउटिंग एट हिज सर्वेंट. शाउटिंग. नंबर 5 हमिद इज वॉचिंग हिज नेबर क्लाइम द लैडर. वॉचिंग. नंबर 6 वी आर स्ट्रोलिंग बाय द रोड साइड. यहाँ पर स्ट्रोलिंग भी आ सकता है और वी आर रनिंग बाय द रोड साइड, ये भी आप अंडरलाइन कर सकते हो. ठीक है. नंबर 7 द जगलर इज थ्रोइंग द बॉटल्स इन द एयर. थ्रोइंग. नंबर 8 द रैबिट is hopping over the stones. यहाँ पर आएगा hopping. Number 9 I am enjoying painting this wall. Enjoying. Number 10 they are opening the box to take out clothes. यहाँ पर आएगा opening. So direct हम जाते हैं exercise R part. Complete the sentences using present perfect tense form of the given verbs. ओके, एक्सरसाइज आर पार्ट में है. आपको आपको ब्रैकेट में दिए गए वर्ब्स के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म ब्लैंक्स में लिखने हैं. ठीक है. ओके, नंबर 1 ब्रैकेट दिया है ड्रॉ. सो आपको लिखना है यहाँ पर नंबर 1 दे हैव ड्रॉन मैनी स्केचेस. हैव ड्रॉन. नंबर 2 स्नेहा हैज गॉन टू दिल्ली. गो का होगा हैज गॉन. नंबर 3 दिव्या हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क. कंप्लीट का होगा हैज कंप्लीटेड. नंबर 4 इट हैज स्टार्टेड रेनिंग. यहाँ पर स्टार्ट का होगा हैज स्टार्टेड. नंबर 5 वी हैव इनवाइटेड देम फॉर आवर पार्टी. इनवाइट का होगा हैव इनवाइटेड. ओके, अब जाते हैं एक्सरसाइज नंबर एस पार्ट. सो टर्न द पेज. ओके, रीड यामिनीज लिस्ट. हेल्प हर टू मेक सेंटेंसेस टू टेल हर मदर हाउ वेल शी विल मैनेज हर डे टुमारो. ठीक है, आपको साइड में येलो बॉक्स में देखना है और उसी के मुताबिक आपको सेंटेंसेस लिखना है कि जैसे कि बुक में दिया है आपको यामिनी के लिस्ट पढ़ो और उसको सेंटेंस बनाने में मदद करो कि वो अपनी माँ को ये बता सके कि वो कल क्या क्या करेंगे. ठीक है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड. सबसे फर्स्ट आई विल फिनिश माई होमवर्क. देन आई विल प्ले विथ ब्रदर. आई विल वॉच अ कार्टून फिल्म बिफोर लंच टाइम. In the afternoon, I will clean the cupboard. Later, I will put out wet clothes in the sun. If father gives permission, I will visit my friend and go with her to the fair in the evening.
ठीक है ओके। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज टी पार्ट। ओके फिल इन द सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर ईच सेंटेंस। ओके इस एक्सरसाइज में आपको ब्रैकेट में दिए गए वर्ब्स को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करके लिखने हैं, ठीक है। ओके नंबर वन, जगदीप विल बिल्ड अ वॉल, बिल्ड का आएगा विल बिल्ड, देन ही विल क्लाइंब इट, क्लाइंब का आएगा विल क्लाइंब। उसी तरह से मिकी विल ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, देन ही विल टेक अ बाथ। नंबर थ्री, चेतना विल फिनिश द प्रोजेक्ट आफ्टर लंच, देन शी विल रीड हर लेसन। नंबर फोर, आर्यन एंड सैमी विल प्ले विथ वाटर कलर्स, देन दे विल ईट स्वीट्स। नंबर फाइव, नीला विल च्यू द बबल गम, देन शी विल ब्लो अ बिग बबल। ठीक है ओके। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज यू पार्ट। Fill in the future continuous tense of the verb in the bracket. Bracket में दिए गए verbs को आपको simple future continuous tense में change करके blanks में आपको भरने हैं, ठीक है। So number one होंगे she will be cooking dinner for us, यहाँ पर cook का होगा will be cooking। Number two, Nitin will be going for a swim at 4 p.m. Go ka hoga will be going. Number 3, the dogs will be drinking milk tonight. Theek hai, yahan par drink ka hoga will be drinking. Number 4, we will be watching this program every evening. Watch ka hoga will be watching. Number 5, the children will be dancing on the stage tomorrow. सो डांस का होगा विल बी डांसिंग, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास बस यहीं तक। फॉर होमवर्क डू एक्सरसाइज क्यू आर एस टी एंड यू पार्ट ऑन योर ग्रामर बुक। सो तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।